तो भाई तुम दोनों रेडी हो ना मेरे एग्जाम देखने के लिए? हाँ फैंकी भी, हम दोनों बिल्कुल रेडी है, आप लगाओ तो एग्जाम। अरे हाँ हाँ रुक जा भाई, लगाता हूँ। बट यार गाइस, यहाँ से मुझे जंप लगाने में भाई साहब मुझे बड़ा डर लग रहा है। तुम लोग एक बार भाई ऊपर से नीचे देखो भाई, मैं सीधा भाई हमारे टेरिस के ऊपर आ चुका गाइस। और भाई यहाँ से अभी गाइस मैं सीधा जंप लगाने वाला अपने स्विमिंग पूल के अंदर। दरअसल गाइस यार सिंचन और मेरे बीच में एक चैलेंज लगा हुआ है कि गाइस यार मैंने अगर हमारे छत के ऊपर से हमारे सीधा स्विमिंग पूल के अंदर जंप लगा दी तो गाइस यार सिंचन भाई आज पूरे दिन के लिए भाई मुझे और चॉप को बाहर खाना खिलाएगा। और अगर गाइस यार मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ तो गाइस यार मुझे भाई सिंचन और चॉप को पूरे हफ्ते के लिए खाना खिलाना पड़ेगा। बट आई नो गाइस यार ये थोड़ा बायस्ड है कि यार गाइस यार मुझे पूरे एक हफ्ते तक खाना खिलाना पड़ेगा और भाई सिंचन बस एक ही दिन खिलाएगा, क्योंकि यार गाइस यार मैं तो भाई पैसे कमाता हूँ बट यार सिंचन तो कमाने नहीं जाता यार। इसलिए गाइस यार ये तो भाई होना ही था, पर छोड़ो गाइस यार मैं डरता थोड़ी ना हूँ। और गाइस तुम लोग अभी देखते रहना भाई साहब मैं कितनी बढ़िया तरीके से जंप लगाता हूँ। बट यार तुम जब से बोले जा रहे हो तुम जंप तो लगा नहीं रहे। अरे हाँ रुक जा भाई, लगा रहा हूँ। हमारे ऑडियंस को समझा रहा था भाई कौन सा चैलेंज चल रहा है यहाँ पे। अच्छा ऐसी बात है, तो लगा पड़ा जंप। हाँ रुक जा भाई, लगाता हूँ। तो चलो गाइस यार अभी लगाते एकदम खतरनाक से जंप। और भाई साहब सिंचन को बताता हूँ कि भाई साहब मैं यार किसी भी चीज से डरता नहीं हूँ। तो गाइस आप सभी लोग रेडी हो? तो चलो गाइस लगाते हैं जंप। 1 2 3 लेट्स गो। भाई ओ भाई भाई साहब गिर गया। ओ गाइस यार तुम लोग देख रहे हो सीधा भाई स्विमिंग पूल के अंदर आ गया मैं तो। अगर गाइस यार भाई सीधा बाहर चला जाता ना भाई तब तो गाइस यार बहुत गंदी तरीके से लगने वाली थी मुझे चोट। बट यार तुम लोग देखो भाई मैं तो सीधा स्विमिंग पूल के अंदर गिर गया भाई, मजा आ गया। बट यार गाइस आपको एक सीक्रेट बात बताऊं, भाई साहब मुझे खुद को कंफर्म नहीं था कि भाई साहब मैं सीधा स्विमिंग पूल के अंदर आऊंगा या फिर नहीं। बट यार भाई लकीली मैं आ चुका स्विमिंग पूल के अंदर और भाई इस चैलेंज को मैं जीत चुका हूँ। अब वाह भाई कल भाई कांग्रेचुलेशन भाई साहब, क्या खतरनाक जंप लगाई तूने। अरे पर मेरी बात तो सुनो। अरे भाई सिंचन अभी परवर कुछ नहीं सुनना मुझे, मुझे तो भाई आज तेरे से भाई एकदम मस्त वाली बर्गर की ट्रीट चाहिए। अब भाई सिंचन मुझे भी एकदम मस्त वाला बर्गर खिलाना आज तुझे। और भाई अभी क्या, अभी चलेंगे हम लोग बर्गर खाने के लिए? अभी हाँ चाप तूने बिल्कुल सही कहा। तुम लोग रुको बस भाई, अभी जाकर कपड़े बदल के आता हूँ। अरे पर फेंकी भाई मेरी बात तो सुनो। क्या हो गया भाई? फेंकी भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है। क्या पैसे नहीं है तेरे पास? बिल्कुल फेंकी भाई, मैंने तो बस ऐसे ही मजाक में बोल दिया था कि यार मैं आप दोनों को आज बढ़िया वाला खाना खिलाऊंगा। अबे तो तूने बोला क्यों यार? मुझे लगा कि यार आप यहाँ से जंप नहीं लगा पाओगे। अबे यार तुम लोग देख रहे हो गाइस, ये सिंचन के बच्चे ने मुझे पागल बना दिया। अब यार गाइस मुझे लगता है मुझे जाकर खिलाना पड़ेगा। वैसे भी यार गाइस मेरा बड़ा मन कर रहा था भाई आज बाहर जाकर खाने का, और भाई मुझे लगा सिंचन खिलाई देगा। बट यार छोड़ो गाइस, यार सिंचन अभी छोटा बच्चा है, जब गाइस ये बड़ा होगा और भाई सब कमाने लग जाएगा तब यार गाइस ये खुद ब खुद मुझे कुछ ना कुछ तो खिलाई देगा। हाँ फेंकी भाई जरूर खिलाऊंगा, आप एक काम करो आज के दिन आप मेरी तरफ से ट्रीट दे दो। बिल्कुल भाई सिंचन मुझे ही देनी पड़ेगी वो। हाँ तो भाई कल भाई जा जल्दी से कपड़े बदल के आ जा। अरे हाँ भाई आ रहा हूँ। चलो गाइस यार फटाफट से बदलता हूँ कपड़े। चलो भाई फाइनल एकदम मस्त तरीके से मैंने कपड़े तो पहन लिए। गाइस तुम लोग देख रहे हो भाई ब्लैक कलर के ग्लव्स, व्हाइट कलर की शॉर्ट्स और भाई सब ब्लैक कलर की जो मेरी ड्रेस है भाई सब क्या ही सूट कर रही मेरे ऊपर। चलो भाई वैसे भी अभी हम लोग बाहर जाने वाले हैं और मुझे मस्त कपड़े तो पहनने ही थे। हाँ तो चलो फेंकी भाई चलते पड़ा से। हाँ चलो चलो आ जा भाई चलते पड़ा से। मैं तो यार बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ ये लॉस गैंग की वजह से। ये लॉस गैंग को तो मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। बस यार आज के लिए मुझे अपने ये पैसे छुपाने होंगे कहीं पर। बट यार मेरा एक ही दोस्त है जो कि फ्रैंकलिन है, जिसके ऊपर मुझे बहुत ज्यादा भरोसा है और यार उसी के पास अभी मैं जा रहा हूँ ये सारे के सारे पैसे छुपाने के लिए। नहीं तो यार मेरे बाकी ये दोस्त यार किसी भी काम के नहीं है। वो लोग के पास अगर मैं अपने पैसे दे दूंगा तो यार वो लोग के ऊपर मुझे जरा भी भरोसा नहीं है। और यार क्या पता वो लोग मेरे इन पैसों में से पैसे निकाल कर खर्च कर दे। इसलिए यार मैं जा रहा हूँ फ्रैंकलिन के घर पे और यार उसके घर के पास जाकर ये सारे के सारे पैसे छुपा दूंगा और वापिस से पूरे एक हफ्ते बाद आकर उसके पास से ये पैसे ले जाऊंगा यार। बट यार मैं ये बात नहीं बताऊंगा फ्रैंकलिन को कि यार ये पूरे पूरे 100 करोड़ रुपए है। नहीं तो यार फ्रैंकलिन के मन में लालच आ जाएगा और फिर यार वो भी इन पैसों में से कुछ पैसे निकाल लेगा। इसलिए यार फ्रैंकलिन को तो मैं नहीं बताऊंगा। और यार ये देखो ये रही फ्रैंकलिन की कार। ये फ्रैंकलिन का बच्चा कभी सुधरेगा नहीं यार, कितनी खटारा सी कार अभी भी यूज कर रहा है। छोड़ो यार मुझे क्या करना है, मैं तो चलता हूँ फ्रैंकलिन के पास। बट यार पैसे को बाहर नहीं छोड़ के जा सकता, एक काम करता हूँ फ्रैंकलिन को बाहर बुला लेता हूँ। अरे फ्रैंकलिन घर पे हो तुम? हेलो फ्रैंकलिन, हेलो फ्रैंकलिन भाई तुम घर पे हो? अरे कौन है भाई, कौन आवाज दिया जा रहा है? अरे फ्रैंकलिन मैं हूँ माइकल, बाहर आओ जरा। क्या माइकल तू क्यों आया भाई मेरे घर के बाहर? अरे तुम बाहर आओ पहले तब बताता हूँ तुम्हें मैं। अरे भाई बता तो सही क्यों आया तू? अरे तुम बाहर आओ फ्रैंकलिन, दिमाग मत खराब करो मेरा। अच्छा ठीक है भाई आ रहा हूँ। अबे यार हमारा इतना अच्छा प्लान चल रहा था भाई बाहर जाकर खाने का, ये माइकल का बच्चा कहाँ से टपक पड़ा बे? अबे यार दिमाग खराब हो रहा है। गाइस आपको पता है मैं सिंचन चॉप डिस्कस कर रहे थे भाई सब कहाँ पर जाकर हम लोग खाएंगे। बट यार ये देखो ये बंदा आ पड़ा यहाँ पर, पता भाई माइकल क्यों आना हुआ आज मेरे पास? अरे फ्रैंकलिन आज तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे, प्लीज यार आज के दिन के लिए मेरी मदद कर दो। क्या भाई तुम मदद मांगने के लिए मेरे पास? बिल्कुल फ्रैंकलिन प्लीज यार आज के दिन के लिए मेरी मदद कर दो। अगर तुमने आज मेरी मदद नहीं की ना फ्रैंकलिन यार मेरी जान भी जा सकती है और यार मैं लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा गरीब बन सकता हूँ। क्या भाई ये सब क्या बोले जा रहा है तू? अरे हाँ फ्रैंकलिन बस आज के लिए मेरी मदद कर दो। अरे पर बता तो सही भाई कौन सी मदद चाहिए, जब से तू बोले जा रहे की मेरी मदद करो मदद करो। अरे हाँ वो तो मैं भूल ही गया, दरअसल फ्रैंकलिन ये देखो यार मैं अपने ट्रक के अंदर पूरे 100 करोड़ रुपए लेकर आया हूँ। क्या 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 बात कर
है भाई 100 करोड़। बिल्कुल फ्रैंकली देखो तो सही। अरे हाँ रुक जा भाई देखता हूँ। ओ गाइस तुम लोग ये देखो भाई, माइकल तो सच्ची में भाई 100 करोड़ रुपए लेकर आ गया। अब भाई यार ये तो कितने सारे पैसे है। अरे बिल्कुल बिल्कुल फ्रैंकली पैसे तो बहुत ज्यादा है, बट यार इन पैसों को छुपाने के लिए मुझे एक बढ़िया सी जगह चाहिए। हाँ तो भाई छुपा देना अपने घर के अंदर। अरे नहीं फ्रैंकलिन वहाँ तो नहीं छुपा सकता, इसलिए तो मैं इन पैसों को यहाँ पर लेकर आया हूँ। क्या मेरे पास? बिल्कुल फ्रैंकलिन तुम्हारे पास लेकर आया हूँ, और आज तुम भी मेरी मदद करोगे इन पैसों को छुपाने के लिए। अरे पर क्यों भाई, मैं क्यों मदद करूँ तेरी? अरे फ्रैंकलिन उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, वो तुम्हें मैं कभी और टाइम बताऊंगा। बट यार प्लीज यार एक हफ्ते के लिए इन पैसों को अपने घर में रख लो। अबे नहीं भाई मैं नहीं रखूंगा, अगर भाई ये सारे के सारे पैसे मेरे घर के अंदर से चोरी हो गए तो। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, तुम क्या पागल हो क्या? ऐसे कैसे चोरी हो जाएंगे तुम्हारे घर के अंदर से? अरे तुझे क्या पता भाई, चोर यार बता के थोड़ी ना आता है। अरे हाँ बात तो सही है तुम्हारी, बट यार फ्रैंकली तुम्हारे बार तुम्हारे घर पे रहते हो और ना ही तुम कहीं पर काम पे जाते हो, तो यार तुम्हारे घर के अंदर चोरी होना एकदम इम्पॉसिबल है। अबे हाँ यार बात तो सही है तेरी। हाँ तो फ्रैंकली प्लीज यार मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। अरे नहीं नहीं भाई इतना सब मत बोल यार। हाँ तो फ्रैंकली प्लीज यार मेरी मदद कर दो, नहीं तो यार ये लॉस गैंग मेरे सारे के सारे पैसे ले लेंगी। क्या लॉस गैंग? अरे हाँ हाँ वो तो मैंने गलती से बता दिया तुम्हें, मैं तो तुम्हें नहीं बताने वाला था लॉस गैंग के बारे में। अरे बता बता भाई क्या हो गया लॉस गैंग के बारे में? दरअसल फ्रैंकली तुम्हें पता ये जो लॉस गैंग है, इनको पता चला कि यार हाल ही में मैंने बहुत सारी महंगी महंगी सुपर कार बेची है, तो यार वो लोग चाहते कि यार मैंने जो अपनी सुपर कार बेची है उनमें से आधे पैसे मैं उनको दे दूं। क्यों भाई उनको क्यों देगा तू पैसे? वो तो मुझे भी नहीं पता फ्रैंकलिन, वो लोग जबरदस्ती करके मुझसे ये पैसे लेना चाहते हैं, इसलिए यार मैंने सोचा कि चलो यार इन पैसों को छुपा देते हैं। अगर यार उन लोगों ने मेरे घर में चोरी करने का ट्राई किया तो फिर यार उनको वो पैसे मिलेंगे नहीं। अरे हाँ भाई माइकल बात तो सही है यार तेरी, इसलिए फ्रैंकलिन मैं आज तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए आऊँ, और प्लीज यार आज मेरी मदद कर देना तुम। हाँ हाँ भाई मदद तो कर दूंगा मैं, बट यार भाई तू पक्का मेरे ऊपर भरोसा रखता है ना? अरे बिल्कुल फ्रैंकली तुम्हारे ऊपर भरोसा है इसलिए तो इतने सारे पैसे लेकर आया हूँ, नहीं तो यार तुम्हें पता है मेरे कितने सारे दोस्त है, लेस्टर है, साइमन है और भी बहुत सारे है, बट फिर भी यार मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हाँ यार बात तो सही है, तुमने अच्छी तरीके से माइकल का पीछा किया था ना? अरे हाँ बॉस मैंने एकदम बढ़िया तरीके से माइकल का पीछा किया था, और मैंने देखा कि माइकल एक घर के सामने रुका था वो सारे के सारे पैसे लेकर। अच्छा ठीक है, अभी जाकर देखते इस माइकल के बच्चे को कितने दूर जाता है हमसे, और आज तो यार ये माइकल का बच्चा बचने नहीं वाला हमारे हाथों से। अरे हाँ बॉस बात तो सही है, बट एक सेकंड रुको रुको बॉस, हमें पीछे जाना था। क्या कहा पीछे जाना था? अरे बिल्कुल बॉस हमें पीछे जाना था। अरे तो तुम जल्दी बता नहीं सकते क्या मुझे? अरे बॉस वो आप बात कर रहे थे इसलिए आपको मैंने नहीं बोला। हाँ तो बताओ कहाँ पर जाना है? यहाँ से राइट मार लो बॉस। अच्छा ठीक है, तुम थोड़ा जल्दी बताया करो कहाँ पर गया है माइकल, नहीं तो अगर वो माइकल हमारे हाथों से निकल गया ना मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे नहीं नहीं बॉस मुझे माफ कर दो, मैं जल्दी बताऊंगा आपको। अच्छा ठीक है, अब बताओ कहाँ पर जाना है? बिल्कुल बॉस यहीं पर रोक दो। क्या यहीं पर? अरे हाँ बॉस ये देखो ये रहा माइकल, और वो देखो उसके गाड़ी के पीछे कितने सारे पैसे रखे हुए हैं। अरे हाँ यार सच्ची में उसके गाड़ी के पीछे तो पूरे के पूरे 100 करोड़ रखे हुए हैं। आज तो ये माइकल का बच्चा बचेगा नहीं हमारे हाथों से। बट आओ यार एक काम करते हैं, थोड़ा इस पहाड़ के ऊपर रुक कर देखते हैं कि माइकल का बच्चा यहाँ पर रुक कर क्या रहा है। अरे हाँ हाँ बॉस रुकता है यहीं पर, और यार अगर वो यहाँ से निकल गया तो साला बीच रास्ते में उसको पकड़ लेंगे। अरे हाँ बीच रास्ते में तो हम लोग उसको पकड़ लेंगे, बट यार उसके साथ कोई होना नहीं चाहिए। अरे हाँ बॉस आप फिक्र मत करो, ये देखो मैं AK-47 लेकर आया अपने साथ। अरे वाह यार ये हुई ना बात, आओ एक काम करते हैं थोड़ा नजर रखते हैं यहीं से माइकल के ऊपर। अरे हाँ बॉस रखो रखो, मैं तो आप ही के पीछे खड़ा हूँ। अच्छा ठीक है यहीं पर खड़े रहना, अभी नजर रखता हूँ थोड़ी माइकल के ऊपर। अरे हाँ भाई माइकल मैं तेरी मदद तो कर दूंगा, पर भाई इसमें मेरा फायदा क्या होगा? अरे यार कर दे रहा फ्रैंकली तुमने छोटी बात। अरे हाँ भाई मैं इतने तेरे पैसों का ध्यान तो रखूंगा, फिर भाई इसके बदले में मुझे एक छोटा मोटा गिफ्ट तो चाहिए। अरे हाँ हाँ फ्रैंकली दूंगा ना मैं गिफ्ट, तो बता भाई कौन सा गिफ्ट देगा तू मुझे? तुम ही बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो माइकल मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास एक ढंग की गाड़ी नहीं है, तो तू एक काम करियो भाई तेरे शोरूम के अंदर जो भी कार मुझे पसंद आएगी वो कार तू मुझे गिफ्ट करेगा। अरे यार क्या फ्रैंकली तू भी, चलो यार दे दूंगा। अरे ये हुई ना बात माइकल, चल भाई मैं लेकर जाता तेरे पैसों को अपने घर के अंदर। हाँ फ्रैंकली लेकर जाओ, बट यार इनको छुपा कर रखना अपने घर के अंदर। अरे बिल्कुल बिल्कुल भाई छुपा कर रखूंगा, तो चलो फ्रैंकली मैं तो निकालता हूँ यहाँ से, तुम छुपा देना इन पैसों को अपने घर के अंदर। अरे बिल्कुल बिल्कुल भाई, बट यार तू मुझे बता भाई कब तक आएगा तू? मैं आ जाऊंगा एक हफ्ते बाद। अच्छा ठीक है भाई आ जाना, तो चलो फ्रैंकलिन जाता हूँ मैं। अरे बाय बाय भाई। हाँ बाय बाय, चलो यार एक काम तो हो गया, अब यार एकदम मस्त तरीके से घर पर जाकर चिल करूंगा, और आने दो अभी लॉस गैंग को, उनको भी तो बता दो कि भाई साहब मेरे पास तो अभी 100 करोड़ है ही नहीं। हा 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 मजा आएगा, बट अब यार पहले तो घर पे चलता हूँ, लेट्स गो। चलो भाई ये माइकल तो चला गया, अब चलो गाइस यार फटाफट इन पैसों को उठाता हूँ और भाई छुपा देता हूँ अपने घर के अंदर। बट यार इन पैसों को मैं छुपाऊंगा कहाँ पे यार, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। यार रुको गाइस एक काम करता हूँ, पहले तो जाकर भाई एक मस्त वाली जगह ढूंढता हूँ इन पैसों को छुपाने के लिए। बट गाइस यार मैं उन 100 करोड़ का ऐसे ही छोड़ के जा रहा हूँ भाई ऊपर अपने घर की तरफ, बट यार छोड़ो गाइस कोई नहीं चुरा कर जाएगा। अबे नहीं नहीं भाई माइकल ने मुझे बोला है कि भाई सब संभाल कर रखना, वो लॉस गैंग की नजर हर तरफ रहेगी। अबे नहीं भाई मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। रुको गाइस एक काम करता हूँ, जाकर भाई पहले
पैसे लेता हूँ और भाई सीधा अपने घर के अंदर ले जाता हूँ इन पैसे को। फिर गाइस तुम लोग देखना भाई, ये माइकल के बच्चे से मैं एकदम मस्त वाली सुपर कार लेकर रहूंगा भाई, मजा आने वाला है। बट आओ भाई पहले इन पैसों को घर के अंदर ले चलता हूँ। तो बड़ी मेहनत करके गाइस यार मैं इन पैसों को लेकर आ चुका अपने घर के अंदर। और एक बार तुम लोग गाइस सामने से देखो भाई, 100 करोड़ भाई किस तरीके से दिखते हैं भाई। तुम लोग देख रहे हो इस लकड़ी के बॉक्स के अंदर भाई पूरे डॉलर्स भरे हुए डॉलर्स। हाँ बट यार फैंकी भाई आपने अभी तक हमें बताया नहीं ये पैसे किसके हैं। अरे कुछ नहीं भाई, अपने दोस्त के पैसे है। अब कौन सा दोस्त भाई कलवे, तेरे दोस्त का कोई नाम नहीं है क्या? अरे वही अपने माइकल के पैसे है। क्या कहा भाई कलवे, माइकल के पैसे? और भाई वो तेरे पास क्यों देकर चला गया? अरे वो छोड़ना भाई, वो बहुत ज्यादा लंबी कहानी है। अरे बताओ ना फैंकी भाई कौन सी कहानी, मुझे भी सुननी कहानी। अरे भाई वो माइकल है ना भाई साहब, उसके पीछे भाई लॉस गैंग पड़ी हुई है। बट यार क्यों पड़ी वो तो बताओ। दरअसल भाई वो लॉस गैंग चाहती है भाई माइकल उसकी जो भी गाड़ी बेचेगा उसके आधे पैसे भाई माइकल उन लोगों को दे दे। बट यार वो क्यों देंगे लॉस गैंग को पैसे, वो तो भाई लॉस गैंग को ही पता। छोड़ ना भाई सीजर, हमें क्या करना है भाई, माइकल ने हमें जो काम दिया भाई वो तो हम लोग करके रहेंगे। बट यार फैंकी भाई आपने अभी तक हमें वो काम बताया नहीं है। अरे हाँ रुको रुको बताता हूँ। तो भाई सीजर माइकल ने मुझे कहा है कि भाई साहब हमें एकदम बढ़िया तरीके से एक हफ्ते तक इन पैसों का ध्यान रखना है, और भाई इसके बदले वो एक हफ्ते बाद ये पैसे लेकर जाएगा और फिर हमें वो एकदम मस्त वाली सुपर कार देगा उसके शोरूम में से, जो भी कार हमें पसंद आएगी। क्या सच बोल रहे फ्रेंकली भैया? अरे बिल्कुल भाई सच बोल रहा हूँ मैं। तुम लोग भाई बस मेरी मदद कर रहा भाई इन पैसों को एकदम मस्त तरीके से सुरक्षित रखने के लिए। अब भाई कल तू फिक्र मत करियो, एक सुपर कार के लिए तो भाई साहब मैं अपने घर में एकदम बढ़िया तरीके से जेड प्लस सिक्योरिटी दूंगा। अबे वाह भाई चुप यो ही ना बात। और भाई सिंह तू भी आपसे पूरे एक हफ्ते के लिए स्कूल में नहीं जाएगा? अच्छा ठीक है फ्रेंकली भैया, मैं भी आपकी मदद करूंगा। ये हुई ना भाई बात। अब यार चलो भाई एक काम करता है, थोड़ा से इन पैसों को अपने घर के अंदर छुपाता है। बट यार छुपाएंगे कहाँ पर जरा बताओ तो सही, कहाँ पर छुपाएंगे यार अभी तक मुझे भी पता नहीं चला। रुको गाइस एक काम करता हूँ, कहीं ना कहीं पर पैसे छुपाने की जगह ढूंढता हूँ पहले तो। और भाई तुम दोनों एक काम करना, पैसों के ऊपर से अपनी नजर मत हटाना। अब भाई कलो तू फिक्र मत करियो, तू जा भाई जगह ढूंढ ले। ठीक है भाई अभी ढूंढता हूँ। तो आओ गाइस देखते भाई इन पैसों को मैं कहाँ पर छुपा सकता हूँ, अपने वार्डरोब के अंदर। अबे नहीं भाई यहाँ पर तो कांच लगी हुई है, अगर गाइस यार कोई भी बाहर से घर के अंदर आ जाता है मतलब यार समझ लो चोर आ गया तो यार उसकी नजर तो सीधा यहाँ पर पड़ी जाएगी बाहर से, क्योंकि यार गाइस यार बाहर से विंडो है तो गाइस यार बाहर से लिटरली कोई भी आसानी से देख सकता है ये देखो गाइस यार। इसलिए गाइस यार मुझे कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर गाइस यार लिटरली किसी की भी नजर ना जाए, जैसे कि गाइस यार इस बेड के नीचे है। बट यार गाइस वो बॉक्स बहुत ज्यादा बड़ा है, वो यार इस बेड के नीचे नहीं आएगा। फिर यार कहाँ पर आ सकता है, इस कोने के अंदर? नहीं नहीं भाई यहाँ पर भी नहीं बिठा सकता। फिर यार कहाँ पर जाऊँ, कहाँ पर छुपा सकता हूँ इसको मैं? रुको गाइस एक काम करता हूँ, यहाँ पर इस रूम के अंदर? नहीं भाई यहाँ पर भी नहीं छुपा सकता। फिर यार इस रूम के अंदर? नहीं भाई यहाँ पर भी नहीं छुपा सकता, ये तो भाई बहुत सालों से बंद है। फिर यार कहाँ पर, एक सेकंड, अरे मिल लगा ना भाई जगह, ये देखो यार यहाँ पर छुपाऊंगा गाइस मैं उन सारे के सारे पैसों को। लिटरली गाइस यार यहाँ पर तो किसी की नजर भी नहीं पड़ेगी। तुम लोग देखो ना गाइस यार, अगर मैं ऊपर के कमरे से आता हूँ या फिर कोई चोर ऊपर के कमरे से घुस जाता है तो यार गाइस वो सीधा ऐसे आएगा भाई चोरी करने के इरादे से, और भाई उसको तो लगेगा भाई हमारे पैसे होंगे बेडरूम के अंदर, और भाई वो सीधा ऐसे आ जाएगा, उसकी नजर भी नहीं पड़ेगी भाई यहाँ पर कोने के अंदर। इसलिए गाइस यार मैं सोच रहा हूँ इस पेड़ के पौधे को हटा दूं और यहाँ पर कोने के अंदर उस बॉक्स को घुसा दूं। हाँ भाई ये तो एकदम मस्त प्लान है। तो चलो गाइस जाकर पहले सिंचर और चॉप को बताता हूँ। एक सेकंड भाई मेरा फोन क्यों रिंग हो रहा है? अबे यार ऐसे टाइम पे कौन कॉल करता है मुझे? रुको भाई देखता हूँ कौन है। अबे ये क्या साइमन, साइमन क्यों कॉल कर रहा है मुझे? क्या हो गया फैंकी भाई कौन कॉल कर रहा है? अरे साइमन कॉल कर रहा है यार, रुक जा भाई उठा कर देखता हूँ। हाँ बोल भाई साइमन क्या हो गया? अरे फ्रेंकली मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, पर आज से मेरे शोरूम के ऊपर आओ। पर क्यों भाई? अरे तुम आओ तो सही फ्रेंकली, जल्दी आओ यार, अगर तुम अभी नहीं आए ना तो यार मेरा शोरूम जल जाएगा। क्यों भाई ऐसा क्या हो गया तेरे शोरूम के ऊपर? दरअसल फ्रेंकली यार मेरे सारे की सारी गाड़ियों के अंदर आग लग चुकी है, इसलिए यार प्लीज फ्रेंकली जल्दी आ जाओ, अगर तुम नहीं आए तो भाई साहब मेरा शोरूम जल जाएगा इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है भाई आता हूँ। हाँ जल्दी आओ। अरे हाँ भाई आ रहा हूँ। अरे भाई सिंचन चौप तुम दोनों एक काम करियो, भाई साहब इन पैसों का ध्यान रखियो, मैं आता हूँ भाई थोड़ी देर में। बट यार जा कह रहे हो जरा बताओ तो सही। अरे बताने का टाइम नहीं है भाई, मैं आया थोड़ी देर के अंदर। अच्छा ठीक है फ्रेंकली भाई जल्दी आना, और भाई पैसों का ध्यान रखना भाई, यहाँ से हिलना मत। अरे हाँ नहीं हिलेंगे, तुम जाओ तो सही। हाँ भाई जा रहा हूँ। तो चलो गाइस एक काम करता है, चलते भाई फटाफट से पहले साइमन के शोरूम पे और जाकर देखते हैं भाई साहब उसकी गाड़ियों में आग कैसे लग गई है। पता नहीं यार ये सब क्या ड्रामा चल रहा है। बट क्या यार गाइस कोई बात नहीं यार, साइमन भी अपना दोस्त है, उसकी भी मदद करनी पड़ेगी। बट यार आज ही भाई ये साइमन का कॉल आना था मुझे, और भाई वो जो पैसे छुपाने वो भी रह गए यार। क्या यार गाइस कोई बात नहीं यार, मुझे अभी साइमन के शोरूम के ऊपर जाना ही पड़ेगा, मैंने उसको हाँ जो बोल दिया है। बट यार गाइस जब तक मैं साइमन के शोरूम के ऊपर जाता हूँ तब तक यार गाइस मैं आप सभी को एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट देना चाहता हूँ अपने वीडियोस के अंदर। तो गाइस आज का अपना पहला शाउट आउट जाता है अपने प्यारी बहन को, इनका नाम है प्रीतम, इनका बर्थडे आता है 22 अक्टूबर को। तो प्रीतम जी आपका बर्थडे यार बड़ा लेट आने वाला है, तो यार आपको मेरी तरफ से एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट और एकदम बढ़िया वाला हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। और गाइस अपना अगला शाउट आउट जाता है अपने रुद्र भाई को, इनका बर्थडे आता है 15 नवंबर को। तो रुद्र भाई आपका भी बर्थडे यार बड़ा लेट आने वाला है, तो यार आपको भी मेरी तरफ से एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट और एकदम बढ़िया वाला हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। और गाइस अपना आखिरी शाउट आउट जाता है अपने सोनू भाई को, इनका बर्थडे आता है 15 अगस्त को। तो सोनू भाई आपका बर्थडे यार बड़ा लेट आने वाला है, बट फिर भी सोनू भाई कोई फिक्र की बात नहीं, आपको भी यार मेरी तरफ से एकदम बढ़िया वाला शाउट आउट और एकदम बढ़िया हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। और गाइस आपको भी मेरे वीडियोस के अंदर ऐसा शाउट आउट चाहिए तो गाइस यार एक काम कर देना, पर आज इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।
और गाइस आपके लिए एक बढ़िया वाला सरप्राइज है जो कि गाइस यार कल से अपना सिंचन आप सभी को एकदम मसाला शाउट आउट देगा अपने इन वीडियोस के अंदर। तो गाइस यार आप लोग सिंचन से भी शाउट आउट लेना चाहोगे तो गाइस प्रोडक्ट से कमेंट के अंदर अपने नाम और अपनी बर्थडे जरूर लिखना। और गाइस अभी तो चलता प्रोडक्ट से सैमन के शोरूम पे, लेट्स गो। अरे वाह वाह, ये हुई ना टाइमिंग, अभी चलते हैं भाई साहब इसके घर के अंदर चोरी करने के लिए। अरे पर क्यों बॉस, अभी क्यों जाएंगे? दरअसल यार इस घर का जो मालिक है वो तो चला गया अपनी कार लेकर बाहर घूमने के लिए, और तुमने तो देखा ही होगा माइकल ने इसके घर के अंदर पैसे रखने के लिए दे दिया है। अरे हाँ बॉस, वो तो मैंने देखा। बट यार मुझे एक बात बता, अभी क्यों जाएंगे हम लोग उसके घर के अंदर चोरी करने के लिए? अरे बेवकूफ, तुम्हारे अंदर तो जरा भी दिमाग नहीं है, तुम बस अपना मुंह बंद रखो और भाई जो कहो वो करो। अच्छा ठीक है बॉस, अब चलो आओ यार, चलते बड़ा से लेट्स गो और चुराते इसके घर के अंदर से बहुत सारे पैसे। चला 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 लेट्स गो। एक सेकंड, अरे ये कौन है भाई इसके घर के अंदर? ये तो कोई एक छोटा सा बच्चा और एक डॉगी है। बट यार ये लोग इन पैसों के सामने कर क्या रहे हैं यार? ये लोग इन पैसों की रखवाली कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, छोटे बच्चे ही है, अभी मार मार के इनकी चटनी बनाता हूँ और ले चलता हूँ ये सारे के सारे पैसे। बच्चे हो कैसे हो तुम? अरे कौन आ गया? अरे बच्चे मैं हूँ लास्ट गैंग का लीडर साले, पैसे की रखवाली करोगे? अबा भाई कौन है तू? अरे तुम लोग को क्या करना है, तुम लोग बस अब मेरी मार खाओ मार। अरे अंकल प्लीज यार मुझे मत मारो, बहुत जोर से लग रही है। अरे मार तो तुझे खानी पड़ेगी बच्चे, सारे तेरी औकात नहीं है, गरीब साला पता नहीं पैसों की रखवाली करेगा। अब्बा भाई तुमने तो सिंचाई की पिटाई कर दी। अरे हाँ पिटाई कर दी और तेरी भी करूंगा। अब्बा भाई लग गए यार। अरे हाँ लगनी तो जरूरी है साला, ये और लात खा मेरी और एक लात खा, आया बड़ा इन पैसों की रखवाली करने के लिए। अरे वाह बॉस, आपने तो दो दो लाते मार के इनको निपटा दिया। अरे हाँ निपटा तो दिया था, बट ये कुत्ता वापस कैसे उड़ गया साला? साला इसकी औकात क्या है मेरे सामने आया बड़ा उठने के लिए? हाँ तो चलो बॉस एक काम करते, पैसे लेकर निकलते यहाँ से। अरे बिल्कुल बिल्कुल, तुम एक काम करो पैसे लेकर आओ, मैं गाड़ी का इंतजाम करता हूँ। अच्छा ठीक है बॉस, बट एक सेकंड यार, पहले तो अपनी बाइक को कहीं पर छुपा देता हूँ, अगर किसी के हाथों में पड़ गई ना भाई दिक्कत हो जाएगी, बाद में आकर अपनी बाइक ले जाऊंगा। एक काम करता हूँ ये पड़ोस के घर के सामने लगा देता हूँ, कोई शक भी नहीं करेगा मेरे बाइक के ऊपर। मजा आ गया। अरे ये क्या यार, यहाँ पर तो कार का भी जुगाड़ हो गया। अरे वाह भाई चलो इसी को चुरा लेता हूँ, और भाई वो पैसे लेकर फटाफट से यहाँ से निकल जाऊंगा। अरे बॉस चलो मैं पैसे लेकर बाहर आ गया। अरे ये हुई ना बात, तुम बैठो फटाफट से। अरे हाँ चलो बॉस बैठ गया। चलो यार पैसे भी रखवा दिए हम लोगों ने, अभी चलो फटाफट से निकल दे अपने घर पे लेट्स गो। मतलब यार अड्डे के ऊपर जाकर अभी एकदम मस्त तरीके से पार्टी करेंगे पार्टी, और पूरे लॉस गैंग को एकदम मस्त तरीके से घूमने के पैसे ऐसे देंगे। अरे हाँ बॉस आज तो मजा आएगा मजा। अरे हाँ मजा तो आएगा, बट यार अभी तक जिस किसी ने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया उसको मैं पार्टी नहीं दूंगा। क्या कहा बॉस, पार्टी नहीं दोगे? अरे बिल्कुल बिल्कुल, आज यार इस वीडियो को जो भी लाइक करेगा और भाई चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा उन सभी के बीच में भी यार मैं ये सारे के सारे पैसे बांट दूंगा। इसलिए यार तुम लोग भी जाओ यार फटाफट से इस वीडियो को लाइक और यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और अभी तो हम लोग चाहते फटाफट से लेट्स गो। अबे यार मुझे इसी बात पे साइमन के ऊपर गुस्सा आता है। गाइस आपको पता भाई साहब मैं कितने जल्दी जल्दी में साइमन के शोरूम के ऊपर पूछा, और गाइस आपको पता वहां पर गाइस लिटरली कोई आग नहीं लगी थी यार, बस यार गाइस थोड़ा सा धुआं आ रहा था साइमन के गाड़ी के पीछे से। और जैसे गाइस वहां पर मैं गया, वहां पर गाइस मैंने देखा कि भाई साहब उस दीवार के पीछे गरीब इंसान था जो कि भाई छोटी मोटी आग लगाकर वहां पर अपना गुजारा कर रहा था। इसलिए गाइस उसी आग के कारण वहां पर थोड़ा सा धुआं आ रहा था, इसलिए गाइस और साइमन के बच्चे ने भाई अपने सारे सारे वर्कर्स को बुलाया, ये किया वो किया, बट यार वहां पर गाइस लिटरली जरा भी आग नहीं लगी थी। इसलिए गाइस मुझे साइमन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है यार। बट यार छोड़ो गाइस, अगर आग भी लग जाती तो गाइस मुझे वहां पर जाना ही पड़ता यार। बट छोड़ो गाइस, अच्छी बात है कि भाई वहां पर कोई आग नहीं लगी। अब एक काम करता, चलता भाई फटाफट से घर के अंदर और भाई जाकर सारे सारे पैसे वापस से छुपा देता हूँ। खामा खा भाई मेरा टाइम वेस्ट हो गया भाई, पूरा आधा घंटा वेस्ट हो गया। एक सेकंड, अबे भाई सिंचन चाप इन दोनों को क्या हो गया भाई? और वो पैसे, अबे यार पैसे कहाँ पर चले गए? अबे कई भाई इन लोगों ने छुपा तो नहीं दी पैसे? अबे नहीं भाई ये लोग तो खुद यहाँ पर लेटे पड़े हैं, बट तेरे लोग ऐसे बाहर सो क्यों रहे? रुको भाई इनको उठाकर पूछता हूँ। हेलो भाई चौप, हेलो, अबे हेलो भाई सिंचन तू तो उठ जा। रुको भाई इन दोनों को उठाकर पूछता हूँ। हेलो भाई चौप मेरी बात सुन ले। हेलो, अबे सो क्यों रहा है तू? हेलो उठ जा भाई, अबे उठ जा, अबे यार ये तो उठने का नाम नहीं ले रहा यार। हेलो भाई चौप, अबे भाई कलवा बचा ले यार। अरे हुआ क्या मुझे बता तो सही। अबे रुक जा भाई अभी उठता हूँ। अरे वाह भाई चौप तो उठ गया, बता भाई क्या हो गया? अबे भाई कलवा तुझे पता थोड़ी देर पहले भाई साहब कोई तो चोर आए थे, उन दो चोरों ने भाई साहब हमारे घर के अंदर जो पैसे रखे हुए थे भाई साहब वो चुरा लिए, और भाई साहब पहले तो सिंचन और मेरी पिटाई भी कर दी। क्या पिटाई कर दी तुम्हारी? बिल्कुल भाई कलवा, सिंचन की हालत देख ले भाई साहब, वो तो अभी भी बेहोशी है। अबे हाँ एक सेकंड, मतलब भाई सिंचन बेहोश है? अबे बिल्कुल भाई कलवा, वो सो नहीं रहा, वो तो बेहोश है। अबे यार गाइस मुझे लगा भाई साहब ये लोग कुछ सोने वीने का नाटक कर रहा है, बट यार सिंचन की हालत देखो भाई कितनी ज्यादा खराब है। अबे बड़े भाई चौप 100 करोड़ का क्या हुआ? अबे भाई कलवे वो तो वो पैसे लेकर चले गए कब के? अबे यार ये साइमन मेरा दिमाग खराब कर दिया यार, अगर मैं साइमन के चक्कर में जाता नहीं ना गाइस मेरे वो पैसे भी चोरी नहीं होते, और भाई साहब सिंचन चौप की हालत भी नहीं होती। अबे भाई कलवे वो सब छोड़, तो पहले जाकर अपने सिंचन को बचा लियो। अबे हाँ रुक जाओ भाई बचाता हूँ, रुको गाइस एक काम करता हूँ पहले से सिंचन को उठाता हूँ और लेकर चलता
भाई हॉस्पिटल के अंदर, पता नहीं गाइजर इसको क्या हुआ होगा। चलो गाइजर सिंचन को तो मैंने अपने कार के ऊपर रख दिया, अब चलो गाइस प्रोडक्ट से निकलता हूं सिंचन को लेकर भाई हॉस्पिटल की तरफ। पता नहीं गाइजर सिंचन को कितने ज्यादा लगा होगा। अब भाई यार ये लॉस गैंग वाले ना भाई साहब, मुझे लगता है यही लोग आकर भाई घर के अंदर चोरी करके गए होंगे। और भाई साहब इतने बेरहमी से इन लोगों ने सिंचन की पिटाई की। अब यार गुस्सा आ रहा है मुझे इन लॉस गैंग के ऊपर अब तो। बट यार गाइस पहले तो मैं अभी सिंचन को बचाऊंगा, उसके बाद में गाइस यार ये लॉस गैंग का भाई जरा भी आता पता बचने नहीं वाला मेरे हाथों से। भाई साहब तबाही मचाने वाला इनके बेस के ऊपर अभी जाकर। भाई तुम लोग देखते रहो भाई मैं क्या करता हूं। बट यार वो गाइस पहले तो जाकर सिंचन को बचाता है और जाकर देखते हैं गाइस यार ये हॉस्पिटल वाले डॉक्टर क्या बोलता है। बट यार तब तक गाइस आप लोग चाहते हो कि भाई साहब मैं अभी क्या जाकर सिंचन की जान बचा लूं, तो गाइस यार एक काम कर दो भाई फटाफट से इस वीडियो का लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हां गाइस यार अभी क्या इस वीडियो का लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और चलो गाइस चलते बढ़ाते हैं अभी लॉस सैंटोस के सबसे बड़े हॉस्पिटल में, लेट्स गो। अबे हटो 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 भाई, सभी लोग मेरे रास्ते से हट जाओ भाई साहब, इमरजेंसी पेशेंट है मेरे पास। अरे हटो भाई, ये लॉस सैंटोस के लोग भी भाई बहुत ज्यादा ट्रैफिक करता है। वो तो अच्छा हुआ कि गाइस यार यहां पर कुछ ट्रैफिक नहीं। अबे देखो जैसे मैंने कहा यहां पर भाई ये लोग सिग्नल के सामने खड़े हो गए। और छोड़ो गाइस कोई बात नहीं, वैसे भी अभी मैं पहुंच चुका हॉस्पिटल के पास, अभी चलते बढ़ाते हैं लेट्स गो अंदर। ये देखो गाइस पहुंच गया। अबे यार ये कार के ब्रेक बिना यार ऐसा लगता है गाइस यार मुझे ढंग की गाड़ी लेनी पड़ेगी। अबे बट यार पहले तो मुझे सिंचन को बचाना पड़ेगा। अब भाई पहले तो सिंचन को उठाता हूं और ले चलता भाई फटाफट से हॉस्पिटल के अंदर। तो फाइनली गाइस अपने सिंचन का इलाज हो चुका है। गाइस यार डॉक्टर ने कहा कि यार उसको बस छोटी मोटी चोट लगी हुई है, इसलिए गाइस यार वो थोड़ा बहुत बेहोश हो गया था। बट यार जो गाइस यार डॉक्टर ने इलाज किया है, इसलिए गाइस यार सिंचन देखो भाई यार सीधा होश में आकर बैठ गया है। अब पता नहीं गाइस यार उसको कब तक डिस्चार्ज मिलेगा। डॉक्टर जी आप मुझे जरा बताओगे कब तक डिस्चार्ज मिलेगा इसको। अरे भाई साहब अभी मिल जाएगा डोमेट में, मैं डे आयुष को डिस्चार्ज। अच्छा ठीक है सर, तो चलो गाइस यार अभी फटाफट से सिंचन को लेते हैं और फटाफट से निकालते हैं भाई अपने घर की तरफ। वो तो अच्छा होगा कि भाई साहब सिंचन एकदम सही सलामत है। बट यार गाइस मुझे चॉप को भी अपने साथ लाना चाहिए था यार, उसको भी भाई साहब उस लॉस गैंग के बंदे ने मारा था। बट खैर गाइस कोई बात नहीं, चॉप का देखेंगे बाद में। आ जा भाई सिंचन चलते बड़ा अच्छा है। और भाई डॉक्टर जी मैंने आपका बिल भी पे कर दिया है। और थैंक यू सो मच। चलो चलो फ्रेंकली भाई चलते घर पे। अरे हाँ भाई सिंचन घर पे तो जाना ही पड़ेगा। बट यार मुझे एक बात बता भाई सिंचन, उन्होंने क्या क्या किया था भाई तेरे साथ। अरे यार चलो चलो फ्रेंकली भाई मैं आपको कार के अंदर बताता हूँ। अच्छा ठीक है भाई, आ जा भाई चलते बड़ा अच्छे बाहर। हाँ चलो चलो मैं तो आप ही के पीछे आ रहा हूँ। ठीक है भाई आ जाओ बड़ा अच्छा। तो चलो गाइस चलते अभी बड़ा अच्छे बाहर और देखते भाई साहब उस लॉस गैंग का हमें करना क्या है। क्योंकि यार गाइस मैं तो अभी सोच रहा हूँ कि भाई साहब लॉस गैंग को मैं जरा भी नहीं छोड़ने वाला। साला एक छोटे से बच्चे के ऊपर हाथ उठाया उसने, साला वो तो बचने नहीं वाला यार। अगर गाइस अभी सिंचन को कुछ हो जाता ना तब तो गाइस यार मैं तो उनको छोड़ता नहीं। बट यार फ्रेंकली भाई उन पैसों का क्या हुआ। अरे भाई सिंचन वो पैसे तो वो लोग चुरा कर लेकर चले गए। क्या चुरा लिए, बिल्कुल भाई चुरा तो लिए उन लोगों ने। अरे बच्चे सुनो मेरी बात। अरे कौन चिल्ला रहा है। अरे बच्चे मैं हूँ यार, पीछे 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 अपनी कार पीछे लो। अरे यार ये इंसान पता नहीं भाई क्यों हाथ हिला रहा है और भाई चिल्ला क्यों रहा है समझ नहीं आया मुझे। अरे थैंक यू सो मच बच्चे, तुमने मेरी बात सुन ले। हाँ बोलो अंकल आप चिल्ला के रहे हो। दरअसल बच्चे यार यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर इस हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारी प्यारी प्यारी किताबें बेच रहा हूँ, प्लीज यार तुम इनमें से एक किताब खरीदोगे। अरे नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं भाई किताब पढ़ने का, चल भाई सिंचन बैठ जा। बट यार फ्रेंकी भाई मुझे तो पढ़नी है कॉमिक बुक। क्या कॉमिक बुक पढ़नी है। हाँ बिल्कुल देखो ना फ्रेंकी भाई इनके पास क्या ही मस्त मस्त वाली किताब है। अगर यार इनके पास कोई कॉमिक बुक हुई तो यार मैं उसको पढ़ लूंगा। अच्छा ठीक है भाई। अंकल बताओ यार आपके पास कोई कॉमिक बुक है। नहीं नहीं बच्चे मेरे पास कोई कॉमिक बुक तो नहीं है, पर यार बच्चे मेरे पास कुछ ऐसी किताब है जो कि यार हॉन्टेड है, मैजिकल है और भाई साहब एकदम मस्त मस्त वाली स्टोरी वाली किताब है। क्या कहा हॉन्टेड और मैजिकल। बिल्कुल बच्चे हॉन्टेड और मैजिकल किताब है, बताओ इनमें से तुम्हें कोई चाहिए। हाँ एक काम कर दो अंकल हमें हॉन्टेड वाली किताब दे दो। अरे नहीं नहीं फैंकी भाई काम करते मैजिकल किताब खरीदते हैं। अभी मैजिकल क्यों भाई, मैजिक ऐसी कुछ नहीं होता। अरे तुम लो तो सही फैंकी भाई, मुझे एक बार ट्राई करके देखना है, क्या पता सच में काम करे। अरे हाँ बच्चे इस बच्चे की बात सुन लो और ले लो मैजिकल किताब। अच्छा ठीक है अंकल दे दो। अरे हाँ रुको अभी देता हूँ, ये लो बच्चे ये रही दो मैजिकल हॉरर्स। अरे क्या कहा द मैजिकल हॉरर्स। बिल्कुल बच्चे इस किताब का नाम है द मैजिकल हॉरर्स, ले जाओ इस किताब को। अच्छा ठीक है अंकल, तो चलो गाइस इस किताब को लेते और चलते अपने घर पे। बट बच्चे मेरे पैसे। अरे हाँ वो तो रह गया, बताओ अंकल कितने पैसे। इसके हुए $10। अच्छा ठीक है अंकल आप भी क्या याद रखोगे, ये लो ये रहे $10। थैंक यू सो मच बच्चे, आ जाओ भाई सिंचन उस किताब को लेकर। हाँ चलो चलो आ रहा हूँ। चलो गाइस फाइनली हम लोगों ने किताब तो खरीद लिया सुबह सुबह। बट यार पता नहीं यार मुझे इस किताब को खरीदना चाहिए था या फिर नहीं। अब बट यार मैं कैसे भूल सकता हूँ भाई साहब, हम लोग एक सीरियस सिचुएशन में थे। गाइस यार मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं लॉस गैंग को खत्म कर दूँ। बट यार उसको खत्म करने के लिए गाइस यार मुझे चाहिए बहुत सारे वेपन्स और यार वो सारे के सारे वेपन्स मेरे पास है। बट यार गाइस मैं अकेला नहीं जाना चाहता, मैं सोच रहा हूँ कि भाई साहब अपने साथ माइकल और भाई लैस्टर को भी ले चलूँ। क्योंकि यार गाइस यार मेरे साथ मेरे वो सारे के सारे दोस्त हुए ना, तब यार गाइस हम तीनों मिलकर उनकी बेस में तबाही तो मचा सकता है। पहले तो अपने सिंचन को घर पे छोड़ दे क्योंकि यार गाइस यार उसकी तबीयत इतनी ठीक नहीं है। हाँ चलो चलो पहले मुझे घर पे छोड़ दो। हाँ भाई छोड़ दूंगा। गाइस यार मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में आपको एक बात बताना भूल ही गया। गाइस यार जो 100 करोड़ रुपए चोरी हो गए इसके बारे में भाई साहब मैंने अभी तक माइकल को बताया नहीं है। अगर गाइस यार ये चीज अगर मैं माइकल को बता दूंगा तब तो गाइस यार तबाही मचने वाली है, वो बंदा भाई मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाला है। बट यार इसमें मेरी भी क्या गलती थी यार, मैं थोड़ी ना भाई उन पैसों को जानबूझ के
छोड़ के चला गया था। हाँ फैंकी भी आपकी बात तो सही है, हम लोग वो सब बाद में देखेंगे, बट यार उस किताब को लेकर घर में तो चलो। हाँ भाई चलता हूँ, आओ गाइस लेकर चलते इस किताब को घर के अंदर। तो फाइनली गाइस हम लोग घर के अंदर आ चुके हैं। अब भाई कल है मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा कि भाई साहब तुमने सिंचान को बचा लिया। अब हाँ भाई भरोसा करना पड़ेगा, बट भाई कल कौन सी किताब लेकर आ गए तुम? अरे वो सब तो रुक जा भाई, मुझे पढ़ने दे इस किताब के अंदर आखिरकार लिखा क्या है। अरे हाँ जल्दी पढ़ो, मुझे भी देखना क्या इसके अंदर। हाँ रुक जा भाई पढ़ता हूँ, आओ गाइस पढ़कर मैं आप सभी को भी बताता हूँ। तो गाइस यार फाइनली मैंने इस किताब को पढ़ लिया है, और गाइस इस किताब के अंदर एक ऐसा वर्ड लिखा हुआ है उसके बोलने के बाद यार गाइस मेरी सारे की सारी लाइफ बदलने वाली है। अब गाइस यार मुझे ये नहीं पता कि भाई साहब मेरी लाइफ कैसे बदलने वाली है, बट यार गाइस मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा इस किताब के ऊपर। बट यार फैंकी भाई एक बार वो वर्ड बोल करते देखो। हाँ हाँ भाई वो तो देखूंगा यार। तो गाइस पढ़ते पढ़ाते इस वर्ड को और देखते भाई क्या होने वाला है मेरी लाइफ में। तो चलो गाइस फाइनली मैंने उस वर्ड को पढ़ लिया है। तो गाइस यार फटाफट से बोलता अभी इसको, ओम ब्रेम श्रेम मेरी प्रॉब्लम सुझाए स्क्रीम, ओम ब्रेम श्रेम मेरी प्रॉब्लम सुझाए स्क्रीम, ओम ब्रेम श्रेम मेरी प्रॉब्लम सुझाए स्क्रीम। अबे ये क्या भाई, इससे तो कुछ भी नहीं हुआ। अरे हुआ हुआ फ्रैंकलिन एक सेकंड, वो देखो आपके अंदर से क्या हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? अरे एक बार देखो तो सही तुम्हारे अंदर से कौन सा धुआं रहा है। अबे कहां पर धुआं, एक सेकंड। अबे हां गाइस एक सेकंड यार, मैं भी देख पा रहा हूं भाई अपने अंदर से कुछ ऑरेंज कलर की रोशनी निकल रही है ना। हां फ्रैंकी भाई बिल्कुल ऑरेंज कलर की रोशनी निकल रही है, बट यार ये कैसे पॉसिबल है? अबे वो तो मुझे भी नहीं पता यार। अब भाई कल मुझे लगता है जो तूने अभी बोला था ना भाई साहब ओम ब्रेम, उसी के वजह से हो रहा होगा ये। क्या पक्का लगता है तुझे? अबे बिल्कुल भाई कल मुझे तो ऐसा ही लगता है। और भाई आगे देख यार क्या लिखा हुआ है उसके अंदर। हाँ रुक जा भाई देखता हूँ। और भाई इसके अंदर लिखा है कि यार इस वर्ड को पढ़ो और उसके बाद में यार पूरे एक दिन के लिए तुम अपने मन के अंदर जो भी चीज मांगोगे तुम्हें सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। हाँ तुम मांग कर देख लो। अबे नहीं भाई मुझे भरोसा नहीं हो रहा, बट यार फैंकी भाई आपके अंदर से धुआं तो आ रहा है ना। हाँ यार धुआं तो आ रहा है, तो भाई कल मांग कर भी देख ले। अच्छा ठीक है भाई अभी मांग कर देखता हूँ। काम करता भाई सिंचान के लिए आरसी कार ही मांगता हूँ। हाँ मांगो मांगो। तो चलो भाई एक काम करो फटाफट अभी यहाँ पर बहुत सारी बढ़िया वाली आरसी कार आ जाए। अरे एक सेकंड भाई गाइस तुम लोग ये देखो, यहाँ पर तो लिटरली भाई कितनी सारी आरसी कार आ गई। हाँ फैंकी भाई कैसे पॉसिबल है? वो तो भाई मुझे भी नहीं पता। गाइस यार उन अंकल ने हमें सच में कोई मैजिकल किताब तो नहीं फेंक दी? हाँ मुझे भी ऐसा लगने लगा अभी। अबे हाँ भाई ऐसा हो सकता है, बट यार एक सेकंड गाइस, ऐसे तो यार भाई साहब मैं पैसे भी मांग सकता हूँ, गोल्ड भी मांग सकता हूँ। अबे हाँ हाँ रुको एक सेकंड भाई, पहले तो भाई अपने छत के ऊपर चलता हूँ गाइस। और यार गाइस वहाँ पर चलकर भाई देखता भाई साहब मैं क्या क्या मांग सकता हूँ। आओ गाइस चलता बड़ा चल लेट्स गो अपने छत के ऊपर। और भाई पहले तो भाई बहुत सारे पैसे मांगता हूँ, अगर गाइस पैसे आ गए ना भाई फिर यार मैं माइकल को उसके पैसे लौटा सकता हूँ यार, वो सारे के सारे 100 करोड़ रुपए। तो चलो भाई मांग कर देखता हूँ। तो चलो भाई अब एक काम करो, यहाँ पर मेरे सामने अभी बहुत सारे पैसे आ जाए और यहाँ पर लेफ्ट साइड में बहुत सारा गोल्ड आ जाए और इस तरह भाई बहुत सारा डायमंड आ जाए। और यार ये देखो गाइस लिटरली यहाँ पर कितने सारे डायमंड आ गए, और ये देखो भाई गोल्ड ही गोल्ड। अरे वाह भाई मजा आ गया। ऐसे तो गाइस यार तुम लोग देख रहे हो मैं तो भाई बहुत ज्यादा रिच बन गया यार, भाई मजा आ गया। और ये देखो भाई पेटी की पेटी भरे हुए पैसे आ गए यहाँ पर, तो इनमें से एक पेटी तो भाई मैं सीधा माइकल के बच्चे को दे दूंगा। बट यार गाइस ये जो पावर्स है ये पूरे एक दिन के लिए मेरे पास, इसलिए गाइस यार अभी जाकर इन सारे के सारी पावर का एकदम मस्त तरीके से फायदा उठाता हूँ। आओ गाइस एक काम करता हूँ, यहाँ पर अभी एकदम मस्त वाला अपने लिए बड़ा सा प्लेन मंगवाता हूँ जिसके अंदर गाइस मैं बाद में घूमने चलूंगा। चलो गाइस मंगवाता पड़ा एकदम मस्त वाला प्लेन। तो चलो आप एक काम करो, यहाँ पर अभी सबसे बड़ा भाई गोल्ड का एरोप्लेन आ जाए। और यार ये देखो गाइस यार सामने भाई कितना बड़ा प्लेन आ गया। अरे वाह भाई ये तो पूरा पूरा गोल्ड का यार, हो भाई मजा आ गया। भाई साहब बाद में चलूंगा गाइस यार इसके अंदर घूमने के लिए, वो भी अपने साथ सिंचन और चॉप को भी ले जाऊंगा। बट एक काम करता हूँ अब एक मस्त वाली सुपर कार मंगवाता हूँ और लॉस गैंग वालों को जाकर दिखाता हूँ। अबे नहीं भाई उनसे तो बदला लेना बाकी, अभी तक उन्होंने जो आज सिंचन और चॉप की पिटाई की है उनका बदला तो भाई अभी जाकर लेता हूँ। तो चलो अब एक काम करो, यहाँ पर अभी फटाफट से एकदम मस्त वाली डायमंड की सुपर कार आ जाए। और यार ये देखो गाइस यार यहाँ पर एकदम मस्त वाली सुपर कार आ गई, तुम लोग देखो भाई क्या बढ़िया लग रही है। और इसका दरवाजा कैसे खुलता है भाई, ओहो देख रहे भाई सीधा ऊपर की तरफ खुल रहा है भाई इसका दरवाजा। और गाइस यार आपको ये सुपर कार कैसे लगी आप मुझे फटाफट से कमेंट के अंदर बताओ बाद में। तो गाइस यार तुम लोग देखो यार और भी ऐसी मस्त मस्त वाली सुपर कार मंगवाऊंगा, वो भी आधी गोल्ड की आधी डायमंड की, वो सब गाइस आपको देखना है। तो गाइस यार आपको देखनी पड़ेगी हमारी अगली वीडियो। और यार गाइस अभी तो मैं जा रहा हूँ यार लॉस गैंग से बदला लेने के लिए, वो भी गाइस यार आपको देखने मिलेगा हमारे अगले एपिसोड में। तो चलो गाइस यार आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं सिंचन मिलता है ऐसी ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।